हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे दूध वाली गोभी। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 400 ग्राम फूल गोभी ले ली है, इसे हमने काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। एक बड़ा गिलास दूध का, 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, गार्निशिंग के लिए धनिया। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। ये सब्जी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे पहले। तो इसके लिए हमने कुकर गैस पर चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर ली है। इसमें हम डालेंगे ऑयल, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, इसे थोड़ा सा मिला देंगे इस तरह से। इसमें हम सब्जी डाल देंगे अपनी, फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि इसमें सारा जो मसाला है वो अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर अब हम इसमें ढक्कन लगाकर बंद करेंगे कुकर को और एक सीटी आने तक वेट करेंगे। फ्रेंड्स, एक सीटी आ चुकी है, हमने गैस बंद कर दिया है और हम इसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं। हम इसका प्रेशर रिलीज करके ढक्कन खोल के अब हम इसमें दूध डालेंगे। गैस को फिर से ऑन कर लिया है हमने, अब हम इसे दूध ऐड करेंगे। ये दूध ऐड कर लिया, अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे इस तरह से। अभी हमने दूध ऐड किया है तो इसे हमें 1 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। फ्रेंड्स, हमने 1-1.5 मिनट इसे पकाने के बाद जो है अब इसे निकाल देना है। इसमें उबाली आ गई, हमने गैस बंद कर दी है, अब हम इसे निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी दूध वाली गोभी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी, इजी और क्विक डिश है। इसे आप घर में ज़रूर बनाइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।